हमारे साथ क्लाइंट की मीटिंग 9 बजे फिक्स थी, वो अभी तक नहीं आए, पूरे 10 मिनट लेट है। हाँ जी ये बात तो है, लगता है वो टाइम के पक्के नहीं है। पता नहीं अपने प्रोडक्ट की सर्विसिंग टाइम पे कराएंगे भी या नहीं। लो जी लगता है वो आ गए। आप कॉफी लीजिए ना, मेरे पार्टनर के हाथ के बनाई गई है। थैंक यू। नाइस कॉफी। आई थिंक हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ यशो, मधु जी आप प्रोडक्ट लिए हैं? अभी लाती हूँ। सो हाउज़ द प्रोडक्ट? इट्स रियली फैंटास्टिक। 18 साल की इन्वेस्टमेंट, कड़ी मेहनत और मेरे पार्टनर के साथ तैयार किया गया है ये प्रोडक्ट। हाँ वो तो दिख ही रहा है। ग्लैमरस 95%, मासूमियत 92% एंड एक्सप्रेशंस वेल मेंटेन्ड। नाइस जॉब। थैंक्स। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? हर नेम इज मीरा। नाइस नेम। स्टैंड अप मीरा। Right turn. Left. Nice finger maintain. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल और बेस्ट क्वालिटी की है। Sit down. Thanks. What about education? Just BA pass. वही पुरानी सोच है, हायर एजुकेशन की इजाज़त नहीं मिली। आखिर शादी करके घर संभालना है, बच्चे पैदा करते, समझदार लोग हैं, इनकी बात माननी पड़ती है। और क्या करते आगे पढ़ के, सारे पैसे पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाते हैं, तो शादी के लिए दहेज और पैसे भी तो देने होते हैं, कहाँ से आते इतने सारे पैसे, इसलिए छोड़ दी पढ़ाई। गुड थॉट। और इस पार्टनर के बारे में क्या सोचना है? सोचना क्या है मैम, हम लड़कियों को सोचने का अधिकार कहाँ है। बचपन से ये लोग जैसा कहते आए हैं वैसा करना पड़ता है। और आप लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नाइस, आप लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इसे कंट्रोल करने। या थैंक्स। फाइनल क्वेश्चन, तुम शादी क्यों करना चाहती हो? सिंपल सर, आखिर एक लड़की क्या करेगी, कब तक अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनके रहेगी। वाओ दैट्स अ ग्रेट थिंकिंग। थैंक यू सर। आई थिंक हमें प्रोडक्ट यूजर को भी बात करने का टाइम लेना चाहिए। हाँ या श्योर, गो अहेड। चलो भैया। नाइस प्रोडक्ट यू बोथ हैव मेड। यस थैंक यू। खाने में क्या पसंद है आपको? बस कुछ खास। अच्छा फिगर मेंटेन किया है आपने? हाँ, कब से तुम वही तो देख रहे हो। तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या? मैनुअल में मैं या आई एनी हॉबीज? हॉबीज क्या करोगे जान के, कौन सा तुम मेरे हॉबीज को एक्सेप्ट करने वाले? हाँ वो कर, बात तो मेरी ही माननी तुम्हें हमेशा। तो मिस्टर राम प्रकाश जी, अब प्रोडक्ट लॉन्चिंग डेट पे बात हो जाए। अब किस्मत वाले हैं, मेरे भाई के साथ ये रिश्ता तय हो रहा है। हाँ वो तो है, तो आप बताइए कितनी फीस लोगे आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग की? लगभग 75 लाख। 75 लाख? इतना तो नहीं है हमारे पास। ओके कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा चॉइस है,
हम किसी और का प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे। पर सर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो। ओके, आपका प्रोडक्ट काफ़ी सुंदर और सुशील है, इसलिए 10% डिस्काउंट सिर्फ अपने देवर जी के लिए। चलो ठीक है, बेटी की खुशी के लिए इतना भी करें। तो फिर क्या सोचा आपने? Excuse me, gentlemen. भैया, I think हमें इन्हें 100% डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट है इतना अच्छा कि हम इसे पैसे लगा के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर देवर जी, भाभी सो सिंपल, हमारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग फीस यही है कि हमें डाउरी को अवॉइड करना चाहिए। ना जाने कितने बाप अपनी बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, अगर आज हम रुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी खुद समझदार हो जाएगी, क्योंकि सबकी सोच बदलने के लिए पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। ना दहेज ले और ना ही दे और ना ही किसी को लेने दे।